नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका स्वागत करता हूं गाइडलाइन हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ में हैं श्री गौरव जी, जो कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करने के बाद में एज ए टेक्नीशियन के तौर पर इस समय गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। तो गौरव जी ने वेल्डर ट्रेड से आईटीआई की थी, तो आज मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करने के फ़ायदे क्या हैं और उसके कौन कौन से नुकसान हैं। क्या जो वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं उन लोगों को वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए या नहीं, पूरी जानकारी आपको गौरव जी आपको देंगे। तो गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। ओके थैंक यू जी। तो आप कृपा करके जो हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइएगा कि वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करने से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। मित्रों, वेल्डर ट्रेड का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है, क्योंकि एक तो सबसे अच्छा फ़ायदा है कि सब ट्रेड अधिकतर 2 वर्ष की होती है, कोई 3 वर्ष की होती है, तो और डिप्लोमा भी आपको पता ही है 4-4 वर्ष का, 3-3 वर्ष का अलग अलग रहता है। तो वेल्डर ट्रेड सबसे पहली बात है कि ये 1 वर्ष की ट्रेनिंग है, जिसको बहुत कम समय में हम इस ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हैं। और वेल्डर ट्रेड का दूसरा फ़ायदा यह है कि एक तो आप इसके द्वारा आप निजी क्षेत्र में आप जॉब पा सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं। निजी क्षेत्र में क्या होता है, जैसे आप आईटीआई करते हो तो वहाँ पर कुछ जो सरकारी संस्थान है उसमें क्या होता है कि सरकारी संस्थानों में ही कुछ कंपनियां आ जाती है, प्लेसमेंट होता है, जिसके माध्यम से आपको उसमें आपको निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र जैसे हीरो होंडा कंपनी, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड इत्यादि कंपनियों में आपको जॉब प्राप्त कर सकते हो। और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो आपको थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत करना होगा, अपने खुद सेल्फ डिपेंड होकर और या कोचिंग के माध्यम से। इसमें आप सारे क्षेत्र जैसे आपके आने वाले अभी BHL हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई इस, और आपका DRDOs हो गया, ISRO हो गया, गेल हो गया, इत्यादि सरकारी कंपनी में आप जॉब पा सकते हैं। ये वेल्डर ट्रेड के फ़ायदे हैं। और दूसरा वेल्डर ट्रेड के, अब हमारे वाजपेयी साहब ने कहा है कि वेल्डर ट्रेड के दूसरा नुकसान क्या है। वेल्डर ट्रेड का दूसरा नुकसान ये है कि जब हमारा कोई भी ट्रेनीज जब जॉब पाता है और जॉब के समय क्या होता है, इससे निकलने इसमें प्रदूषण बहुत होता है, प्रदूषण, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, प्रदूषण होता है तो उसकी रोकथाम भी है। रोकथाम के लिए क्या करते हैं कंपनी वाले, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र वाले क्या करते हैं, वो आपको सेफ्टी के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन देंगे, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए आपको मास्क देंगे। अगर वेल्डर ट्रेड की बात की जाए तो आपको मास्क देंगे, हैंड ग्लव्स देंगे, क्यों, और आपको हेलमेट्स देंगे, क्योंकि ये जो काम होता है काफ़ी रिस्की काम होता है। इसमें आपकी आंखें भी ख़राब हो सकती है, आपकी स्किन भी ख़राब हो सकती है, अगर आप असुविधा बरते तो इसलिए इसके नुकसान है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने वेल्डर ट्रेड के फ़ायदे व नुकसान बताए। जाहिर है कि हमारे जितने देखने वाले हैं उनको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।